मालिनी, ज्यादातर लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि गोश्त का असली जायका गोश्त को काटने के अंदाज से आता है। आज मैं आईने अकबरी से मिली एक मटन डिश ट्राई कर रहा हूँ। शहनशाह अकबर के खानसा में तो इसमें चना भी डालते थे ताकि इसका जायका और प्रोटीन उभर के आए। वो लौट आया है सर। कौन लौट आया है? द स्टोन मैन किलर, उसका 27वां विक्टिम मिला है। उसका आखिरी केस 1989 में था। उसके हिसाब से आज वो कुछ 60-61 साल का हो गया। इतने उम्र दराज आदमी के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि 25-30 किलो का पत्थर उठा के एक बार में किसी का सर चकनाचूर कर दे। लेकिन सर, हूबहू वही तरीका, 30 किलो के कंक्रीट के स्लैब से एक ही बार में सर चकनाचूर। और सर, विक्टिम का प्रोफाइल भी मैच करता है। आवारा, बेघर, फुटपाथिया। ऑन लेटर आइडेंटिफिकेशन ही टर्न्ड आउट टू बी अ कैजुअल लेबरर। कार्तिक हेबार, बदन पे कपड़े का रेशा तक नहीं था। लाश के पास पत्थरों पे उसके कपड़े बिखरे हुए थे। मर्डर स्पॉट से कुछ ही दूर एक कंक्रीट के टुकड़ों का मलबा था। कातिल ने शायद वो बड़ा सा कंक्रीट का टुकड़ा इस मलबे में से ही उठाया होगा। आइस फॉरेस्ट बियर की ये खाली 12 बॉटल्स। आइस फॉरेस्ट बियर, खास लोगों की खास पसंद। सर, ये क्राइम सीन के कुछ और फोटोज हैं। विक्टिम ने घड़ी पहनी हुई थी। जी सर। खून सूखने के बाद, डेथ के काफी देर बाद किसी ने ये घड़ी उतारी है। अकॉर्डिंग टू द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसका सर एक ही बार में फूटा। ब्लड अल्कोहल लेवल बहुत हाई था। या कत्ल के शायद थोड़ी देर पहले विक्टिम ने एनल सेक्स भी किया था अपनी मर्जी से। स्टोन मैन मर्डरर ने कुल 26 मर्डर किए थे। 13 मुंबई में 1985 से 88 तक, और फिर 13 कोलकाता में 1989 में। सर, हमारे 4 में से 3 सस्पेक्ट्स स्टोनमैन किलिंग्स के दौरान मुंबई और कोलकाता में मौजूद थे। सर, इस केस में हमारे 4 सस्पेक्ट्स हैं। संजय खेमका, भिखारी जिसे कार्तिक की लाश के पास देखा गया। डॉक्टर बरबोते, जिसने विक्टिम को अपने घर का मलबा उठाने का काम दिया। इंद्रजीत अभ्यंकर, डॉक्टर बरबोते का नौकर जो कार्तिक को लेकर आया। और विजया भजंतरी, कार्तिक का दोस्त। इसका नाम संजय खेमका है सर। खार के घंटेश्वर मंदिर में एक सस्पिशियस सा मिडिल एज आदमी पिछले 2-3 दिनों से प्रसाद खाने आ रहा था, और फिर अगले दिन उसके हाथ में एक महंगी सी घड़ी दिखाई दी। आई ग्रैब्ड हिम। ये घड़ी पहनी थी उसने। एंटीक गोल्ड रोलेक्स, कीमती घड़ी, कीमती बियर। दिस विक्टिम ऑफ योर्स इज टर्निंग आउट टू बी क्वाइट समथिंग। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, वुडी, मस्की। इसमें ब्लड के ट्रेसेस मिले? नहीं सर। आई फाउंड दैट वॉच नियर हिज डेड बॉडी। सेक्शन 168 एंड सेक्शन 169 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेस्टोज अपॉन मी the right to retain possessions of the goods so long as not claimed by the true owner. kya aapne ghadi saaf ki? ha maine ghadi saaf ki thi, karni thi, gandgi to lagi thi usme. ha phone nahi laga tha, wo usi avastha mein pada tha jis avastha mein maine aapko dikhaya tha, kintu us manushya ki pravritti achhi nahi thi. wo apne mitra ke saath samlengik prem kar raha tha. मैं तुरंत वहां से वापस लौट गया। ऐसे मनुष्य को धरती से स्वतंत्र करना पुण्य का कार्य है। जब रात को मैं वापस लौटा तो मरा पड़ा था। ये हो सकता है तुम्हारा स्टोन मैन किलर? कार्तिक को खुलेआम सेक्स करते देख के हो सकता है इसके अंदर का 31 साल से दबा हुआ किलर फिर से जाग गया हो। शिट, ठंड लगने लगी है। कैन यू गेट माय जैकेट फ्रॉम देयर प्लीज? यस। May I continue? Yeah. सर, जो रोलेक्स घड़ी संजय खेमका ने लाश की कलाई से उतारी थी वो विक्टिम की खुद की नहीं थी। बहुत समय पहले इस घड़ी के चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई गई थी। हमने ओरिजिनल ओनर को ढूंढ निकाला है। डॉक्टर राजेंद्र बरबोते एक रिटायर्ड पैथोलॉजिस्ट हैं। बैंड्रा के एक पुराने से बंगले में अकेले अपने नौकर के साथ रहते हैं। सर, उस कॉन्क्रीट ब्लॉक पे इनका भी फिंगरप्रिंट मिला हमें। हाँ इंद्रजीत, मेरा नौकर, उसने एक लड़के को काम के लिए रखा था कुछ दिनों के लिए।
कार्तिक नाम था उसका। मैं अपने घर के हॉल में कुछ रिनोवेशन करवा रहा था। बट आई मस्ट टेल यू, दिस गाय वॉज स्कम्बक। चिल्ला क्यों रहा है यार बेगा? ले। अरे क्या यार, एक बियर की बोतल भी पकड़ी नहीं जाती और यार फ्रिज में ठूस ठूस के भरी हुई। चल कोई बात नहीं, एक और ले। अबे छोड़ ये, पिएगा। अबे छोड़ बुड्ढे, अबे ये ले 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 ले। मैं तो पुलिस में कंप्लेन करना चाहता था लेकिन इंद्रजीत ने मना कर दिया। कहने लगा सर क्यों इनके मुंह लगते हैं, ये गंदी नाली के कीड़े हैं। सो इसे पहचानते हैं आप? ये कहां से मिली आपको? क्राइम सीन से। मेरे बाबा ने दी थी मुझे व्हेन आई हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम मेडिकल कॉलेज। ये आपको उस लड़की की बॉडी से मिली? ये तो कोलकाता में गायब हुई थी 89 में। देन हाउ इज इट पॉसिबल? आपको कंक्रीट के ब्लॉक पर मेरे फिंगरप्रिंट्स मिले। दैट्स वेरी नेचुरल, क्योंकि कंक्रीट का वो टुकड़ा मेरी ड्राइंग रूम का कभी हिस्सा हुआ करता था। मरने वाले ने डॉक्टर बरबोते की बियर पी, उसकी बेइज्जती की, बदतमीजी की उसके साथ। इस उम्र में भी जो आदमी एक 26 साल के लड़के को कॉलर पकड़ के जमीन से ऊपर उठा सकता है, वो 30 किलो का पत्थर उठा के किसी का सर भी कुचल सकता है। Then the question is कि 30 साल तक ये चुप क्यों था? सर आपके इस सवाल का जवाब इनका वफादार नौकर दे चुका है, इंद्रजीत अभ्यंकर। अठारह साल का था तब से साहब के घर पर ही काम कर रहा हूं। साहब के बाबा मुझे गांव से यहां मुंबई लेकर आए थे, अपने बेटे की तरह मानते थे मुझे। लेकिन साहब को ड्रग्स की लत लग गई थी, झगड़ा हुआ तो एक दिन घर छोड़कर कलकत्ता चले गए। तब बड़े डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि मैं वहां जाऊं, उनका ख्याल रखूं, पर साहब की आदत और खराब हो गई थी। फिर बड़े डॉक्टर साहब ने उन्हें अमेरिका भेज दिया इलाज के लिए। साहब अमेरिका से तभी वापिस आए जब बड़े साहब का स्वर्गवास हो गया। मैडम जी कार्तिक अच्छा लड़का था, बस वो विजया भजंत्री के चक्कर में फंस गया। सर इंद्रजीत अभ्यंकर ने कार्तिक हेब्बार से उसके आधार कार्ड की कॉपी मांगी थी। सर आधार कार्ड सिस्टम में स्टोर्ड फिंगरप्रिंट से ही हमने लाश को आइडेंटिफाई किया था। उसके साथ एक और आदमी काम करता था, विजया भजंत्री। सर विजया और कार्तिक वडाला के डॉन बॉस को शेल्टर में पलकर बड़े हुए हैं। ये हिस्ट्री शीटर है सर, छोटी मोटी चोरियां मारपीट। ही इज गे, लेकिन अगर कोई ये बात कह दे तो उसे मारने पर उतर आता है। शेल्टर में कुछ लड़कों को मोलेस्ट भी किया है इसने और कंप्लेन करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। साला डेछना बद्दा है वो इंद्रजीत। ये खून माफ होना मेरे को तो टपका डालो ना उसको। तीन चार दिन से मेरे को कार्तिक का कोई खोज खबर नहीं था, इसलिए उसको देखने के वास्ते मैं उधर गया। मेरा उसके साथ लफड़ा क्या हुआ? वो साला बुड्ढा अपनी कलाई पे अत्तर मल मल के चांस पे डांस मार रहा था। अरे डॉक्टर के पैसे बहस करता है वो, कार्तिक को गिफ्ट शिफ्ट दे के फुसलाने का कोशिश कर रहा था साला। बचपन से लव करता है मैं उसको। ये बुड्ढे ने डॉक्टर की महंगी बियर पिला पिला के उसका टेस्ट बदल दिया था। 2500 का 12 बाटली लेकर आया मैं उसको पटाने के वास्ते। वो दिन हम खूब बियर पिया, उल्टू सेक्स किया हम लोग, और वो बुड्ढे का ना बहुत मजाक उड़ाया। फिर मैं
खाना लेने के लिए गया था, वापस आया ना। तुम्हारे इन सारे सस्पेक्ट्स में एक विजय भजंत्री ही ऐसा है जो स्टोनमैन किलर की प्रोफाइल में फिट नहीं होता है, बट स्टिल जवान है, मैनुअल लेबर करता है, आसानी से 30 किलो का पत्थर उठाकर किसी का भी सर चकनाचूर कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये क्राइम ऑफ पैशन है, पैश में आकर जान ले ली क्योंकि उसने अपने प्रेमी को किसी और के साथ देखा था? बड़े मुश्किल केस लेकर आती हो यार। अब बताओ तुम कौन है कातिल, किसने ली कार्तिक हेब्बार की जान? वो पागल सा दिखने वाला संजय खेमका जो देश से ऐसे कीड़े मकोड़ों का सफाया कर देना चाहता है, या फिर डॉक्टर राजेंद्र बरबोते जो कार्तिक के किए हमले का बदला लेना चाहता था, या फिर इंद्रजीत अभ्यंकर जो कार्तिक के साथ हमबिस्तर था लेकिन इस बात से नाराज था कि वो अपने पुराने प्रेमी के पास चला गया था, या फिर वायलेंट विजया भजंतरी जिसने अपने प्रेमी को किसी और के साथ बिस्तर में देख लिया था? तो सर किसने मारा कार्तिक हेब्बार को? संजय खेमका सच बोल रहा था, उसने ये घड़ी लाश की कलाई से नहीं उतारी, ये उसे लाश के पास पड़ी हुई ही मिली। क्योंकि अगर कार्तिक ने ये घड़ी पहनी होती, इसकी चेन देख रही हो? हाँ सर। इससे खून रिस कर उसकी कलाई तक पहुंच गया होता, लेकिन उसकी कलाई पर तो एक साफ पट्टे का निशान था, यानी कार्तिक ने घड़ी जरूर पहनी थी लेकिन वो कोई और घड़ी थी और उसे चुराया भी किसी और ने। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो घड़ी कोलकाता में चोरी हुई थी वो 31 साल बाद मुंबई में और वो भी लाश के पास कैसे पहुंची? स्मेल करो इसे। तेज स्मेल है ना, वुडी मस्की। अत्तर है ये, फिरदौसी अत्तर। हमारे सस्पेक्ट्स में कोई अत्तर लगाता है क्या? वो साला बुड्ढा अपनी कलाई पे अत्तर मलमल के चांस पे डांस मार रहा था। इंद्रजीत अभ्यंकर अत्तर लगाता है। उसके इंटरोगेशन की फुटेज में मैंने कुछ बातें नोटिस की, दिखाता हूं। ध्यान से देखो, कान में अत्तर का फाहा है और यहां देखो घड़ी दिख रही है? यस सर। घड़ी कलाई के अंदर की तरफ बांधता है, दैट्स व्हाई अत्तर की खुशबू इसमें आ गई। और इसकी चेन का स्ट्रैप लूज है, आसानी से खुल जाता है। उसके हाथ से खुलकर गिर गई होगी, यानी वो सीन ऑफ क्राइम पर मौजूद था और 31 साल पहले ये घड़ी इसी ने चुराई थी। इंद्रजीत अभ्यंकर ये हमारा कातिल है। राइट। कार्तिक से प्यार हो गया था बेचारे को, इसलिए जब विजया कार्तिक को लेकर गया इंद्रजीत घबरा गया। कार्तिक को बचाने के इरादे से इसने उनका पीछा किया, लेकिन बीच पहुंचा तो सन रह गया। रिमेंबर विजया ने क्या बताया था, क्या बातें कर रहे थे दोनों? इंद्रजीत का मजाक उड़ा रहे थे। राइट। अगर आपका प्रेमी किसी और के सामने आपका मजाक उड़ाए, वो भी खासकर दूसरे प्रेमी के सामने, इससे ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है? आओ देखा ना, ताओ पास पड़े मलबे से सीमेंट का स्लैब उठाया और दे मारा कार्तिक के सर पर। मटन खा के जाना।